देपालपुर तहसील के बैठमा शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की भूमि पर भूमाफियाओं के द्वारा अवैध नामांतरण करवाने का मामला सामने आने पर विधायक विशाल पटेल ने भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बेटमा में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह संदेश दिया गया कि शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की एक इंच जमीन भी किसी को नहीं देने दी जाएगी। इसमें जो भी भू माफिया किसी के संरक्षण में अवैध रूप से इसे हथियाना चाहते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक ने नगर परिषद अध्यक्ष बब्बी दरबार पर भू माफिया होने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं बब्बी दरबार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विधायक को चैलेंज किया कि उन्हें भू माफिया साबित करे तो राजनीति छोड़ दूंगा, जिसके बाद क्षेत्र में राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है। बेटमा से संवाददाता की रिपोर्ट। नाजिम अली अपना जो रिकॉर्ड के आधार पर दावा जता रहे हैं और इसी बीच में कार्यपालन यंत्री आरएस जिला इंदौर से दो बार पत्र आ चुके हैं कि उस ज़मीन पर हॉस्टल का निर्माण करना है तो उस ज़मीन को सीमांकन करके दी जाए उनको, और इस बीच में इनके द्वारा भी आपत्ति लगाई गई कि वो ज़मीन हमारी है तो इस उद्देश्य से वो ज़मीन सीमांकन कराने के पश्चात जहाँ तक जो सरकारी भूमि आ रही है वो आरएस को उसको मार्किंग करके देना है ताकि वो अपना निर्माण कार्य कर सकें। बस यही इशू है और इसके अलावा कुछ नहीं। विधायक जी का कार्य पिछले डेढ़ वर्ष से मेरे खिलाफ वो आरोप लगा रहे हैं और ने एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। जो भूमि माफिया का आरोप लगाया है ये मेरे पास स्वयं की मेरी रजिस्ट्री जो वो कह रहे हैं कि रोड के ऊपर उन्होंने कब्जा किया ये, इसके अलावा गांव में उन्होंने जो आरोप लगाया मैं विधायक जी के संस्था संकल्प के लोगों को, वो कह रहे हैं कि एक भी कहां पर शामिल नहीं, तो उन संस्था संकल्प के लोगों पर मैं आरोप लगाता हूं कि वक्फ बोर्ड की भूमि बेटमा में कटकटपुरा में आपके कार्यकर्ताओं ने बेची, सागर रोड पर पट्टे की भूमि पर आपके कार्यकर्ता दुकान लगाकर चला रहे जबकि पट्टे की भूमि पर रजिस्ट्री नहीं होती, बालाजी के यहाँ आपके लोग कब्जा कर कर कार्य कर रहे हैं, गल गोए के यहाँ पर आपके लोगों ने 2 बीघा भूमि के बदले में 4 बीघा भूमि पर कब्जा कर कर वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, राजवाड़ा चौक पर ही हम निर्मल कुमार जैन वाला हाईकोर्ट में केस जीत गए, देपालपुर से भी वापस आपने रिवीजन लगवाया और उसके बाद देपालपुर से भी हम ये जीते, ये भी आपके लोगों ने कब्जा करके वहाँ पर राजवाड़ा चौक पर अतिक्रमण कर रखा है, इंदौर धार रोड पर आपके लोगों का कब्जा है, इसके बाद में स्कूल के पास में आपके संस्था संकल्प में लोगों का कब्जा है, और इसके अलावा खानपुर में आपके कार्यकर्ताओं ने 8 बीघे हरिजन की भूमि पर कब्जा कर कर अवैध रूप से उसको विवादित भूमि को लेकर उसको बेची, और भी जहाँ जहाँ भी कन्याशाला के यहाँ पर एक दुकान में आपके लोग प्रकरण हार गए उसके बाद में आपके लोगों का कब्जा है, आज भी है वहाँ पर, और विधायक जी ने जो आरोप लगाए दशहरे में इन्होंने दशहरे में बोला हम चंदा नहीं करेंगे, दशहरे का मैं आरोप लगाता हूँ कि आप जब सलमपुर ग्राम पंचायत से आपने दशहरे का आयोजन किया तो आपने दशहरे का बिल बेटमा नगर परिषद 55,000 रुपये के हमारे यहाँ पहुँचाया, मैं अध्यक्ष था जब आपने बिल पहुँचाया और दशहरे का लाइट का बिल और CMO पर दबाव बनाकर प्रशासन पर दबाव बनाकर आपने ये कार्य करवाया, जब आप एक तरफ कह रहे हो हम चंदा नहीं लेते तो आपने हमसे ही चंदा लिया, आप सत्य कहाँ पर हो, आप खाली एक बोल रहे हो बब्बी दरबार भूमि माफिया, भूमि माफिया तो आपके आसपास आपके इर्द गिर्द घूमते हैं आपके कार्यकर्ता लोग भूमि माफिया, जो कांग्रेस के लोग इन्होंने जो नहीं करना था 1.5 साल में इतना अन्याय किया जी, आप बिल्कुल निराधार है, मैं तो भाई पेपर लगा रहा हूँ, ये पेपर ले आप, ये आप फाइल में सब आप पत्रकारों को प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ आप ये सब डॉक्यूमेंट ले जाएं और इनकी तलाश करें। मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा, पहली चीज़ तो ये जो प्रकरण है, प्रकरण जो संज्ञान में मेरे आया, जो मेरी बात हुई, अधिकारियों से भी बात हुई और यहाँ के लोकल लोगों से भी मेरी बात हुई, किसी भी बच्चों के साथ जो भी बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनके उनका भविष्य का सवाल है, उस ग्राउंड को किसी भी कीमत पर किसी भी माफिया के माध्यम से, वो भू माफिया हो या राजनीतिक कोई भी अपना प्रभाव रखने वाला व्यक्ति हो, उनको कब्जा उस पर नहीं किया जाए कर दिया करने दिया जाएगा। रही बात पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान उनको भी, उन्होंने एक आरोप भी लगाया और प्रकरण भी मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा। पहली चीज़ तो ये जो प्रकरण है, प्रकरण जो संज्ञान में मेरे आया, जो मेरी बात हुई, अधिकारियों से भी बात हुई और यहाँ के लोकल लोगों से भी बोल रहा, किसी भी बच्चों के साथ जो भी बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनके उनका भविष्य का सवाल है, उस ग्राउंड को किसी भी कीमत पर
किसी भी माफिया के माध्यम से, वो भू माफिया हो या राजनीतिक कोई भी अपना प्रभाव रखने वाला व्यक्ति हो, उनको कब्जा उस पर नहीं किया जाए, कर दिया जाए, करने दिया जाए। रही बात बेटमा, मैं समझता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।